गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 24 सितंबर और आज के इस सेशन में 24 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में महिला सुरक्षा के लिए शुरू करेगी हमार बेटी हमार मान। INS विक्रांत के बाद नौसेना को मिले 2 डाइविंग सपोर्ट्स वेसल। यूनेस्को ने भारत के लिए 2022 राज्य शिक्षा रिपोर्ट की जारी। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा अगले साल होगी शुरू। सियाचिन में पहली बार शुरू हुई इंटरनेट सर्विस। असमिया शब्दकोश हेमकोश का ब्रेल संस्करण प्रधानमंत्री जी को किया गया भेंट। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। REC को मिला महारत्न कंपनी का दर्जा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक न्यूयॉर्क में हुई आयोजित। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के क्लास के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है, एल नागेश्वर राय को नियुक्त किया है। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी की जाएगी फ्रेंड्स बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी से निपटने में सराहनीय प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत को। अमेज़न ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए राजस्थान राज्य को चुना है। हाल ही में किस देश में इबोला वायरस रोग का प्रकोप घोषित किया गया है, युगांडा में। युगांडा कहां पर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। गोवा कार्निवल मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी पेजेंट में मिसेज इंडिया टाइटैनिक ब्यूटी 2022 के ताज से सम्मानित किया गया है आरती चितौड़ा को। स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 दिया गया है अभिनेत्री आलिया भट्ट को। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल कर नया नाम रखने की घोषणा की है और नया नाम होगा देवगिरी का किला। भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो USA के न्यूयॉर्क में आयोजित की गई है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में किस देश के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स, तो भारत के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये था कल का करेंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो महिलाओं और खासकर लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमार बेटी और हमार मान जो अभियान है ये घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इस अभियान के तहत एक हेल्पलाइन नंबर निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, जिस पर महिलाएं और खासकर लड़कियां अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो याद रखेंगे ये अभियान किसने शुरू किया है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं और लड़कियों के लिए, ठीक है। अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए 1 दिन का आरक्षित किया गया है फ्रेंड्स, तो ये 1 दिन आरक्षित जो किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के जो आगामी परीक्षाएं है ना उनसे रिलेटेड ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है, तो राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार के द्वारा। मोक्ष धाम योजना किसने शुरू की है, तो इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मोक्ष धाम योजना की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। ये तीनों योजनाएं हाल ही की है, याद रखिएगा किस राज्य ने कौन सी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मोस का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? फ्रेंड, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, इसका निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? तो भारत और रूस के द्वारा किया गया है। भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है फ्रेंड्स। और ब्रह्मोस क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ब्रह्मोस है वो कैसी मिसाइल है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण भारत और रशिया ने मिलकर किया है। फ्रेंड, जो ब्रह्मोस का नाम है ना, वो दो हिस्सों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म और मोस, ब्रह्म का यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और मोस यानी कि रूस की मोस्कोवा नदी है, ठीक है। यह दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, मतलब इसे दागो और भूल जाओ, दागो या भूल जाओ के सिस्टम पर ये काम करती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भारतीय नौसेना ने अपने युद्ध पोत में भारतीय नौसेना ने अपने युद्ध पोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था फ्रेंड्स? तो ब्रह्मोस का किया गया था। याद रखेंगे, ये हाल ही में हुआ है फ्रेंड्स। कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 18 फरवरी 2022 INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था, समुद्री परीक्षण, ठीक है। तो जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड, छपने वाला क्वेश्चन है, याद रखेंगे। REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितने महारत्न कंपनियां हो गई हैं फ्रेंड्स? तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अब भारत में 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? तो 12 महारत्न कंपनियां भारत के अंदर हो गई है, ठीक है। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे कंपनियां हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। किसके पास है फ्रेंड्स? तो भारत सरकार के पास इनका स्वामित्व होता है। कुल महारत्न कंपनियां हो गई हैं 12, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक बैंकिंग वित्त कंपनी है, ठीक है। और इसे 1969 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और यह पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर केंद्रित है, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जो कि अब एक महारत्न कंपनी बन गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं, क्विक रिविजन करेंगे कि भारत की 12 महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, सेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फ्रेंड्स ये भी जो 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, ये हाल ही में दिया गया था। तो 11वीं और 12वीं दोनों याद रखनी है। 11वीं है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और 12वीं है REC लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। स्थापना कब की गई थी? 1969 में। तो यहाँ तक क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वो है सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर है? तो ये आपको सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख वाले एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इंटरनेट की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इंटरनेट यहाँ पर किसने पहुंचाया है? तो सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है। नाम याद रखेंगे, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने यहाँ पर इंटरनेट प्रदान किया है। ठीक है, इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय जवान मुख्यालय में सूचना दे पाएंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेना की फायर एंड फ्यूरी टॉप्स ने कहां पर विद्यार्थी चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम चलाया गया है लद्दाख में। कहां पर चलाया गया है? तो ये लद्दाख में चलाया गया है। ठीक है, 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां पर किसने जीती फ्रेंड्स? तो ये लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख से रिलेटेड ये दो करंट अफेयर हैं जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, यहां पर दो दर्रे हैं जो कि लद्दाख से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है फ्रेंड, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बारालाचा दर्रा जोड़ता है। कारगिल कहां पर है? तो याद रखेंगे, कारगिल आता है लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, अब आप लोग बताइए वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 भारत के लिए शिक्षा स्थिति रिपोर्ट शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट भारत की स्थिति के लिए जारी की गई है ना, ये की गई है यूनेस्को के द्वारा। किससे रिलेटेड है? तो ये शिक्षा से रिलेटेड है। और शिक्षा में किसकी बात की गई है? तो AI की भूमिका की बात की गई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इसमें भूमिका बताई गई है भारत में शिक्षा के क्षेत्र में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो यह है वार्षिक रिपोर्ट का 4th संस्करण है फ्रेंड्स, और रिपोर्ट को यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय के मार्गदर्शन में शोधकर्ताओं की एक विशेष टीम द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, रिपोर्ट में भारतीय शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों और अवसरों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो ये रिपोर्ट शिक्षा से रिलेटेड यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, इसमें चुनौतियों और अवसरों का उल्लेख किया गया है। किससे रिलेटेड? जो भारतीय शिक्षा है इससे रिलेटेड। ठीक है, जिन्हें AI द्वारा हल किया जा सकता है, यानी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है यूनेस्को द्वारा कि जो भारतीय शिक्षा क्षेत्र में जो चुनौतियां और अवसर है उन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा दूर कर सकते हैं, यानी कि अपनी शिक्षा में किसे ऐड कर सकते हैं, तो AI को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है जो भारतीय शिक्षा से रिलेटेड है। बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के। ठीक है, यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या 193 है और यूनेस्को के जो प्रमुख है वो है ऑड्रे अजोले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी? फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा ये शुरू होगी फ्रेंड्स बनारस से बोगीबिल के वन। बनारस कहाँ पर? तो यूपी में है। और बोगीबिल कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है असम वाले एरिया में। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के बोगीबिल के बीच अगले साल कब फ्रेंड्स? अगले साल यानी कि 2023 में ये शुरू होगी। ठीक है, और यह क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। आप सभी को ज्ञात होगा कि ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और असम ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता। ठीक है, फिर असम के बाद जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी को क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो फ्रेंड्स, जो हेमकोश है ना, ये रिलेटेड है आपका असमिया भाषा से।
किससे रिलेटेड है? तो ये असमिया भाषा से रिलेटेड है। सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नई दिल्ली में श्री जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण की प्रति प्रदान की गई है। जो असमिया है, हेमकोश है ना शब्द, इसकी जो ब्रेल संस्करण है, ब्रेल जो संस्करण है, इसकी प्रति किसे दी गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, इसलिए ये क्वेश्चन सुर्खियों में बना हुआ है। ठीक है, इसे 19वीं शताब्दी में हेमचंद्र बरुआ द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, ब्रेल संस्करण हेमकोश की परिकल्पना और प्रकाशन जयंत बरुआ ने किया था। ब्रेल से एक पॉइंट याद रखेंगे कि ब्रेल प्रणाली का जो आविष्कार किया गया था वो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था 1824 में, कहां पर? पेरिस में। फ्रेंड्स, ये इस समय सुर्खियों में है तो याद रखेंगे, आपको करंट से रिलेटेड जीके पूछा जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तारा और आईएनएस निपुण को कहां से लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों की जो लॉन्चिंग की गई है ना, निस्तारा और निपुण की, ये लॉन्चिंग की गई है विशाखापट्टनम से। कहां से की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, विशाखापट्टनम से इन्हें लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स, ये दोनों जो निस्तारा और आपका निस्तारा और एक नाम मैंने अभी आपको बताया था, निस्तारा और निपुण, इन्हें किसने बनाया है फ्रेंड्स? तो इनका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो जो पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड, सम्मेलन हुआ है गुजरात में। गुजरात के एकता नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। फ्रेंड, ये सम्मेलन 23 और 24 सितंबर तक चलेगा और सम्मेलन में वन क्षेत्रों को बढ़ाने, निम्नीकृत भूमि की बहाली और वन्य जीव संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। यानी कि इसमें कौन शामिल होंगे? जितने पर्यावरण मंत्री हैं वो सब इस सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसकी जो 77वीं बैठक हुई है वो हुई है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में ये बैठक आयोजित की गई है। फ्रेंड, बैठक में मुद्दा क्या रहा था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक में विश्व में बढ़ती भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए निर्णायक कार्रवाई करने के बारे में वैश्विक नेताओं ने विचार विमर्श किया। किससे रिलेटेड थी? भूखमरी। ठीक है, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे? कासावा कोरोसिक थे। ठीक है, और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी को ज्ञात होगा, एस जयशंकर के द्वारा भारत की तरफ से अध्यक्षता की गई थी। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? फिर तो चाइना में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ कहा जाता था इन्हें बचपन में। ठीक है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, वर्तमान में सर्वोच्च सेनापति कौन होंगे? तो द्रौपदी मुर्मू जी होंगे। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? फ्रेंड्स, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य में मनाते हैं? तो पोंगल मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। जबकि ओडम कहां पर मनाते हैं? तो ओडम मनाया जाता है आपका केरल में। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 में की गई थी। ठीक है, पके हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स, है ना। आयरन शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप संबंधित है बैडमिंटन से। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निर्देशक कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो नए निर्देशक बने हैं वो तपन कुमार डिक्या को बनाया गया है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी को क्या कहते हैं? अमेरिका की खुफिया एजेंसी को क्या कहते हैं?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की परिवहन सेवा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, जो समुद्र की गहराई मापी जाती है वो मापी जाती है आपकी पैडोमीटर से। किससे मापी जाती है? पैडोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है। फ्रेंड्स, तो करणी माता का मंदिर है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। अगर आप में से कोई राजस्थान से होगा तो भली भांति इस मंदिर से परिचित होगा, है ना। चलिए, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, पहली बार करेगा। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किस शहर में किया गया था। तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।